विश्वास का नाम 63 सालों से आपकी सेवा में। न्यू अप्सरा ज्वेलर्स, आपका विश्वास हमारी पहचान। तो पता याद रखिए, परकोटा चौराहा, सागर, मध्य प्रदेश। विदिशा के नेशनल हाईवे 146 पर एक यात्री बस जो इंदौर से जबलपुर जा रही थी, वह अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें 13 यात्री घायल हुए हैं। इसके अलावा 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें इलाज के लिए भोपाल रेफर किया गया है। यात्रियों के मुताबिक बस खटारा थी और बस चालक नशे की हालत में था। पुलिस अधीक्षक के मुताबिक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। सभी घायलों का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। बता दें कि जब सुबह यात्री गहरी नींद में थे और विदिशा सागर रोड पर बने हनरई गांव में ये हादसा हो गया। बस में 25 से 30 यात्री सफर कर रहे थे। पुलिस अधीक्षक विनायक वर्मा के मुताबिक बस इंदौर ट्रेवल्स की थी और इसमें 25 से 30 यात्री सवार थे और नेशनल हाईवे के पास ये हादसा हुआ। नहीं, विदिशा गए हम तो। किस बस में सफर कर रहे थे? सफर नहीं, वो किरण मशीन लेके गए थे तो वो चेन डाल रहे थे, कांच में से गिर गए थे। तो बस का कुछ पता है किस तरह से पलटी थी क्या? वो बता रहे हैं ये नशे में भी था और बोल रहे लाइट नहीं थी उसमें। आप हाइड्रा लेके गए? हाँ, तो चेन डाल रहे थे तो कांच ही गिर गया अंदर, ऊपर से चढ़ के डाल रहे थे तो उसमें हम गिर गए तो ये पैर कट गया पूरा। 15-20 टाँके आएंगे। हम हमारे इंदौर से आ रहे, दमू जा रहे थे। कौन सी बस थी? जय माता दी। क्या हादसा हुआ? वो बस की हेडलाइट नहीं थी तो बस आते वक्त वो ड्राइवर थोड़ी ऐसे ही चला रहा था तो रेलिंग में टकरा के बस पलट गई। कितने लोग घायल हुए? बहुत से लोग घायल हुए। आप लोगों को किसने भर्ती करवाया? हम लोगों को पुलिस वालों ने भर्ती करवाया और हमारे भैया गए थे, भैया ने भर्ती करवाया। जिला विदिशा के थाना सिंह क्षेत्र में हिरनय गांव के पास भोपाल सागर हाईवे पर एक बस जो JMD ट्रेवल्स इंदौर के नाम से रजिस्टर्ड है, वह जा रही थी और सुबह 6 बजे के आसपास उसमें बस पलटने के कारण लगभग 20-25 लोग घायल हुए हैं। पूरे संख्या सारे पैसेंजर्स इवैक्यूएट कराते अस्पताल भेज दिए गए हैं। 4 लोग गंभीर रूप से घायल बता रहे हैं। ड्राइवर हमारी हिरासत में है और ऐसा मालूम पड़ रहा है प्रथम दृष्टया कि नशे की हालत में था और साथ ही साथ बस के जो स्किड मार्क्स लगे हैं उससे दिख रहा है कि रैश ड्राइविंग का मामला मोस्ट लाइकली के कारण एक्सीडेंट हुआ है। सड़क पे आप जैसे देख सकते हैं थोड़ा पानी जरूर है लेकिन बहुत तेज़ बारिश आज सुबह नहीं हुई है तो मूलतः यह ह्यूमन एरर के कारण प्रथम दृष्टया प्रतीत हो रहा है। बाकी विवेचना में यह बस इंदौर से जबलपुर तक जा रही है, ज़्यादातर पैसेंजर्स सागर और दमोह। विश्वास का नाम 63 सालों से आपकी सेवा में। न्यू अप्सरा ज्वेलर्स, आपका विश्वास हमारी पहचान। डायमंड ज्वेलरी, गोल्ड ज्वेलरी, सिल्वर ज्वेलरी और सभी प्रकार की ज्वेलरी हमारे यहाँ उपलब्ध है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। तो पता याद रखिए, परकोटा चौराहा, सागर, मध्य प्रदेश। हमारा नंबर है 9425172041, 8720042083।